नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। हरियाणा 1,25,000 कच्चे कर्मचारियों पक्का करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो देखते हैं पूरी जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं खबर है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्की नौकरी देंगे हुड्डा। बिना नाम लिए भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया बहकाने पर लगे हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लगभग 1,25,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने का वादा किया। आजकल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, फिजाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिना नाम लिए भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा बेकारने पर लगे हुए हैं, जैसा हमने कहा कि यह तो कौशल रोजगार निगम खराब है, क्यों यह पक्की नौकरी नहीं दे रहा। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं उन्हें हटाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उनको भी बताना चाहता हूँ, जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं उनके लिए हम नीति बनाएंगे, उनको कच्ची नौकरी नहीं रखेंगे, पक्की नौकरी रखेंगे। अगले को विश्वास तो हो, उसके बच्चे पढ़ें और आगे जाएं, उनका आत्मसम्मान बढ़े, शर्म सम्मान बढ़ें। गौरतलब है कि पूर्व सीएम ने पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने की घोषणा की थी, मगर मुख्य न्याय सिंह सैनी ने उनमें से 5 साल से ज़्यादा सर्विस वाले लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का एक्ट बना दिया। अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार के से आगे बढ़कर उन्हें पक्की नौकरी देने का वादा किया है। गौरतलब है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगभग 1,25,000 अस्थायी कर्मचारी का रहता है। इस चुनाव में यह अहम मुद्दा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है जो कच्चे कर्मचारियों की जो मांग है काफ़ी लंबे समय से पक्का करने की, इसी को लेकर यहाँ पर है। जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है कि उनकी सरकार आने पर वो कच्चे कर्मचारियों को पक्की नौकरी देंगे। देखते हैं क्या होता है आगे। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।